एडजस्टमेंट नंबर बारह तेरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, हो, हो सकता है में गिवन हो सकता है या फिर दूसरा ऑप्शन बनता है ये एडजस्टमेंट में गिवन हो सकता है एडजस्टमेंट में गिवन हो सकता है ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन हुआ तो सिंगल एंट्री होगा और सर ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ तो कहां जाएगा ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना वो पता ही क्या होता है ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है हमें देना होता है ठीक है ना अगर बैलेंस शीट में हुआ तो दो एंट्री बैलेंस शीट में हुआ तो दो एंट्री सर एक चला जाएगा हमारा कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दूसरा हमारा ऐड हो जाएगा ये जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा हमारा कहाँ जाके सर ये कैपिटल में इसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट नंबर चौदह है जो मैं यहीं कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर ये भी हो सकता है हमारा कहां गिवन हो ट्रायल बैलेंस में और यह गिवन हो सकता है अब मैं आपसे पूछूंगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस के लिए हमेशा इनकम होता है सर इनकम क्यों होता है क्योंकि ड्राइंग हमने निकाला है ऑनर अलग होता है और बिजनेस तो भाई ऑनर बिजनेस में से पैसा लेगा तो हमें बिजनेस को ब्याज देना होगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सो सोचो उसके लिए क्या है इनकम है एक तरीके से ठीक है अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ नेचर इनकम है तो इनकम के हिसाब से सोचेंगे ना ट्रायल बैलेंस में हुआ तो कहां जाएगा पीएंडल में बताओ पीएंडल के किस साइड जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड सर एडजस्टमेंट में हुआ तो कहां जाएगा दो जगह जाएगा अगेन दो जगह जाएगा सर कहाँ दो जगह एक चला जाएगा पी एंडल के क्रेडिट साइड और एक चला जाएगा हमारा लाइबिलिटी या फिर लेस फ्रॉम कैपिटल कैपिटल से लेस हो जाएगा बताइए कोई डाउट समझ में आ रहा है सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ बिजनेस के लिए खर्चा है तो अगर हमारा ट्रायल में गिवन बने तो एक ही एंट्री करेंगे पी एंडल के डेबिट में लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन बने तो दो एंट्री चला जाएगा कहाँ चला जाएगा सर एक तो पी एंड एल के डेबिट में तो जाएगा ही जाएगा साथ के साथ हमारा कैपिटल में एड हो जाएगा और ड्राॅइंग के केस में क्या होता है कैपिटल में लेस और पी एंड एल के क्रेडिट साइड में